55 नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गुरुवार को देश में 55 नए कोरोना वायरस मामलों की घोषणा की। नए मामलों में से 15 ओमानी नागरिक और 40 प्रवासी हैं। सल्तनत में दर्ज कोविड 19 मामलों की कुल संख्या अब 2,958 है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार इस संख्या में 980 मरीज भी शामिल हैं जो अभी स्वस्थ हैं और 14 की मौत हो गई है। कोविड 19 की जांच करवाएं। जनशक्ति मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के मालिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी कर्मचारी जिसके कोविड 19 के लक्षण हैं उन्हें परीक्षण के लिए कहें। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के संस्थानों को अपने कर्मचारियों को कोरोना वायरस परीक्षण सुविधाओं या स्वास्थ्य संस्थानों की ओर निर्देशित करना चाहिए। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सावधानी बरतें। सुप्रीम कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को स्वास्थ्य मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्री अहमद अल सायदी ने सभी को सलाह दी कि वो सामाजिक दूरी के उपायों का सख्ती से पालन करें और दूसरों के जीवन को खतरे में ना डालें क्योंकि वायरस अभी भी व्यापक रूप से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि बुधवार को दर्ज किए गए ज्यादातर मामले मजदूरों के समूह के कारण थे। उनके अनुसार ओमान में 50,000 कोरोना वायरस परीक्षण किए जा रहे हैं जिनकी लागत करीबन 2 मिलियन ओमानी रियाल तक है।